गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार वामपंथी उग्रवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य खेल अलंकरण पुरस्कारों की घोषणा, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार से 7 खिलाड़ी किए जाएंगे अलंकृत। रायगढ़ में 2 से 11 सितंबर तक होगा चक्रधर समारोह का आयोजन, छत्तीसगढ़ सहित देश भर के कलाकार होंगे शामिल। और प्रदेश में कम प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग लगाने की जरूरत, राजधानी में आयोजित कार्यशाला में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं शीतला शुक्ला। आप समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वामपंथी उग्रवाद का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के विचार में कोई स्थान नहीं है। नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद पर आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि जो लोग लोकतंत्र को हिंसा द्वारा नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, भारत उनके खिलाफ लगातार संघर्ष जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह का आतंकवाद आंतरिक सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियों में से एक है और राष्ट्र इससे कई दशकों से जूझ रहा है। गृहमंत्री ने कहा कि वामपंथी आतंकवाद से जुड़े लोग देश के सबसे कम विकसित क्षेत्रों में विकास को बाधित करने में लगातार लगे हैं। अमित शाह ने कहा कि इन लोगों की साजिश लोगों को गुमराह करने और अज्ञान में रखने की होती है। वामपंथी उग्रवाद और हिंसा के खिलाफ सुरक्षा बलों की सफलता की चर्चा करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों में इस तरह के उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या में कमी आई है और वहां हिंसा की घटनाएं भी कम हुई हैं। श्री शाह ने कहा कि 2010 में 96 जिले नक्सल प्रभावित थे और 2018 में इनकी संख्या घटकर 60 रह गई है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में राज्यों की अहम भूमिका है, इसलिए वामपंथी उग्रवाद के मामले में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। उन्होंने इस चरमपंथ को समाप्त करने के लिए राज्य सरकारों को केंद्र के पूरे सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने राज्यों से अपील की कि वे वामपंथी उग्रवाद के जाल में फंसे मासूम लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए आत्मसमर्पण की नीतियों को नीति संगत बनाएं। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को राज्य खेल पुरस्कार अलंकरण समारोह का आयोजन राजधानी रायपुर में किया जाएगा। इस समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित करेंगे। अलंकरण पुरस्कार के लिए निर्णायक मंडल की बैठक के बाद पुरस्कृत किए जाने वाले खिलाड़ियों की सूची खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा जारी की गई है। इस साल जिन खिलाड़ियों को अलंकृत किया जाएगा उनमें तीरंदाजी खिलाड़ी अभिलाष राज, हैंडबॉल खिलाड़ी भाविका रामटेके, कयाकिंग खिलाड़ी स्वाति साहू और पिंकी साहू को संयुक्त रूप से, फेंसिंग खिलाड़ी अनूप चौधरी, रोलबॉल खिलाड़ी अनीशा नायर, सॉफ्टबॉल खिलाड़ी सुनील राज और पैरा बॉडी बिल्डिंग खिलाड़ी अश्वन कुमार सोनवानी को शहीद राजीव पांडे पुरस्कार के तहत 3 लाख रूपये की राशि प्रदान की जाएगी। वर्ष 2018-19 के लिए शहीद कौशल यादव पुरस्कार के तहत 1.5 लाख रूपये की राशि से फेंसिंग खिलाड़ी ईशांक यादव, वॉलीबॉल खिलाड़ी शिखर सिंह, कयाकिंग केनाइंग खिलाड़ी विजय कुमार ढोलाई, वेटलिफ्टिंग खिलाड़ी वीणा ठाकुर, सॉफ्टबॉल खिलाड़ी निखिल नायक, साइकिल पोलो खिलाड़ी लक्ष्मी निर्मलकर और पैरा जूडो खिलाड़ी सेफ्टी ध्रुव को सम्मानित किया जाएगा। वीर हनुमान सिंह पुरस्कार के तहत 1.5 लाख रूपये की राशि कराते प्रशिक्षक रमेश, रोलबॉल प्रशिक्षक अर्चना कौर और जूडो खेल के निर्णायक अरुण कुमार द्विवेदी को प्रदान की जाएगी। इसी तरह शहीद विनोद चौबे सम्मान के तहत 5 और शहीद पंकज विक्रम सम्मान से 20 खिलाड़ियों को 25,000 रूपये की राशि प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। इस साल साइकिल पोलो के सीनियर वर्ग में मुख्यमंत्री ट्रॉफी से 5 खिलाड़ियों को 5 लाख रूपये और जूनियर वर्ग में 3 लाख रूपये देकर 5 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। रायगढ़ में 2 से 11 सितंबर तक चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाएगा। रायगढ़ के राजा स्वर्गीय चक्रधर सिंह की स्मृति में मनाए जाने वाले समारोह को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। रायगढ़ के रामलीला मैदान में 10 दिनों तक चलने वाले इस प्रतिष्ठित आयोजन में छत्तीसगढ़ सहित देश भर के कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। हर वर्ष की तरह
इस वर्ष भी गणेश चतुर्थी के दिन इस महोत्सव का शुभारंभ होगा। पहले दिन मुंबई के गजल गायक मनहर उदास अपनी गजलें पेश करेंगे। महोत्सव के आयोजन को लेकर रायगढ़ के अतिरिक्त कलेक्टर एस अहिरवार ने बताया कि छत्तीसगढ़ के कलाकारों को कार्यक्रम में प्राथमिकता दी जाएगी। हो चुका है जिसमें मनहर उदास जी आएंगे और नीतु वर्मा जी हैं और सजल साबरी जी भी हैं और जावेद अली का कार्यक्रम जो है तय हुआ है और इसमें जो है लोकल जो छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम को भी जो है पूरा ख्याल रखा गया है और कार्यक्रम जो है पूर्ववत जिस स्थान पर निर्धारित है रामलीला मैदान पे वहीं पर ही आयोजन कराने का निर्णय लिया है। महोत्सव के दौरान पंडवानी, लोकरंग, कवि सम्मेलन, कथक नृत्य, शास्त्रीय गायन वादन और सुगम संगीत नृत्य का आयोजन किया जाएगा। राजधानी रायपुर में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने उद्योग और व्यावसायिक संगठनों के बीच संवेदीकरण विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि प्रदेश में कम प्रदूषण फैलाने वाले और आधुनिक तकनीक वाले उद्योग लगाने की जरूरत है, साथ ही उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार निगरानी की जरूरत है। श्री भगत ने कहा कि उद्योगपति परंपरागत उद्योगों के क्षेत्र से हटकर नए क्षेत्रों में कम प्रदूषण वाले उद्योग लगाएं। राज्य योजना आयोग द्वारा इसके लिए कमजोर तबके के लोगों को सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। श्री भगत ने कृषि उत्पादों पर आधारित कारखाना खोलने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि इससे किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना चाहती है, इसलिए सभी तहसीलों में छोटे उद्योग लगाने जमीनों का चिन्हांकन किया गया है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए पर्यावरण और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि किसानों को वनोपज संबंधी प्रसंस्करण उद्योग लगाने प्रोत्साहित किया जा रहा है। सतत विकास के लक्ष्यों की भावना के अनुरूप प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रशासन और लोगों के बीच की दूरी कम करने के लिए बेमेतरा की कलेक्टर शिखा राजपूत तिवारी ने अनूठी पहल शुरू कर दी है। उन्होंने लोगों की शिकायतों के आवेदन लेने के लिए हर सप्ताह लगने वाले चौपाल कार्यक्रम में अपनी टेबल कुर्सी बाहर लगाकर लोगों से खुद ही आवेदन लिया। इससे लोगों में खुशी का माहौल है। वे कलेक्टर से अपनी समस्याएं बताकर उसका निराकरण करवाते हैं। दूर दराज से आने वाले लोग कलेक्टर की इस पहल की सराहना कर रहे हैं। इस बारे में कलेक्टर शिखा राजपूत तिवारी ने कहा कि लोगों को परेशानी न हो इसलिए वे चौपाल में लोगों से आवेदन लेकर उनकी समस्याओं का निराकरण करती हैं। कि मैं तो समस्याएं सुनती हूँ और कोशिश मेरी ये रहती है कि पूरी गंभीरता के साथ जो भी व्यक्ति इतने दूर चल के आ रहा है उसकी समस्याओं का निराकरण हम अपने स्तर से कर सकें। कोशिश ये भी रहेगी कि जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं, हमारे जो SDM साहिबान हैं, वो भी अपने स्तर पर अपने क्षेत्र की समस्याओं को सुने, उसका निराकरण तत्काल करें, क्योंकि इतनी दूर अगर व्यक्ति आता है, जैसे 50 किलोमीटर दूर आता है, तो हमारी जो गंभीरता नहीं दिखती उसमें, तो उसमें सभी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं कलेक्टर से अपनी समस्याएं खुलकर बताती हैं। जांजगीर के सरखों गांव में विकासखंड स्तरीय निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ जांजगीर चांपा विधायक नारायण चंदेल ने किया। स्वास्थ्य मेले में आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह देकर उनका उपचार किया। इस अवसर पर आयुर्वेदिक दवाओं का वितरण भी किया गया। शिविर में पहुंचे विधायक श्री चंदेल ने कहा कि दूर दराज इलाकों से पहुंचे ग्रामीण शिविर का लाभ ले रहे हैं। प्रति वर्ष में दो बार विकासखंड स्तर पर अलग अलग गाँव में इस तरह का स्वास्थ्य मेला आयुर्वेद विभाग के द्वारा लगाया जाता है। लोगों के जांच भी किया जाता है कि किसको क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, और उसके हिसाब से इलाज के लिए परामर्श दिया जाता है। जिन चीजों का इलाज यहाँ पर हो सकता है उसकी दवाई यहाँ पर देते हैं, जो इलाज यहाँ पर संभव नहीं है उसके लिए वो बाहर भेजते हैं, डॉक्टरों का परामर्श देते हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य और आयुष संचालनालय की ओर से इस तरह का आयोजन अन्य विकासखंडों में भी किया जा रहा है। भिलाई के 6 इंजीनियरिंग छात्रों ने स्टार्टअप के तहत तकनीकी नवाचार कंपनी की शुरुआत की है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल रहा है। इस कंपनी के संचालक
अभिषेक अम्बष्ट ने बताया कि उन्होंने इंटरनेट की सहायता से 3D प्रिंटर का मॉडल तैयार किया था। इसे IIT खड़गपुर और कानपुर में प्रदर्शित किया। इसकी काफी सराहना की गई। इसके बाद वे उद्योग विभाग की मदद से लोगों की जरूरतों के मुताबिक 3D प्रिंटर तैयार कर रहे हैं। श्री अम्बष्ट ने बताया कि इस प्रिंटर का उपयोग इसरो और DRDO में भी किया जा रहा है। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद हम देखते थे कि भारत में कई सारी चीजें इम्पोर्ट होती हैं, तो इम्पोर्ट के बदले उस समय मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट भी आया था, तो हमने बोला कि जो चीज़ें हम इंजीनियरिंग में जानते हैं वो हम बना सकें, और उसी के विचार को लेकर के हमने 3D प्रिंटिंग के बारे में जानकारी थी तो उस मशीन्स को बनाना चालू किया, शुरुआत की, और उसके बाद अलग अलग मशीन्स में हम डील करते रहे। इसरो DRDO इन संस्थाओं में हमने मशीन सप्लाई की। सर हम लोगों ने 40,000 रुपये के साथ शुरुआत की थी इस कंपनी की, और अभी का कंपनी का 10 करोड़ का सालाना टर्नओवर है। कंपनी के सह संचालक मनीष अग्रवाल का कहना है कि उनके बनाए गए 3D प्रिंटर देश भर की प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ विदेशों में भी भेजे जा रहे हैं। इसमें विदेशों में हम लोगों ने दुबई एवं न्यूजीलैंड में हमारी मशीन गई हुई है। इसके अलावा देश भर में दिल्ली, मतलब ऐसा है कि नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया, दिल्ली से लेकर के तमिलनाडु तक और राजस्थान से लेकर के सिक्किम तक हमने हमारी मशीन बेची हुई है, मशीन एवं सर्विसेज बेची हुई है, जिसमें कि जैसा कि सर ने बताया DRDO इसरो के अलावा IIT खड़गपुर और रिसर्च अनुसंधान जो है सरकारी एवं गैर सरकारी प्राइवेट दोनों में हमारी मशीनरी गई हुई है। अभी तक लगभग 200 से ज्यादा हमारे क्लाइंट्स हैं जहां पर हम लोगों ने अपनी मशीन और सर्विसेज प्रोवाइड की हुई है। इस संबंध में कंपनी के सह संचालक अमित कुमार जैन का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टार्टअप की नीति से प्रभावित होकर उन सभी मित्रों ने 3D प्रिंटर बनाने का कार्य शुरू किया है। मायने में अभी जो नीतियां चल रही है वो इससे पहले तो कभी नहीं थी। हमने जब काम चालू भी किया था तब अगर ये नीतियाँ नहीं होती तो शायद हमें बहुत ज़्यादा सक्सेस इतनी आसानी से नहीं कहूँगा लेकिन इतनी जल्दी नहीं मिल पाती। कारण इसका ये साफ है कि अगर कोई भी पहले नया काम चालू करता था तो उसे लगता था कि वो बिजनेस चालू कर रहा है या फिर कोई नॉर्मल सा काम चालू कर रहा है। बट जब नीति आई, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसे लॉन्च किया था, स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया था, तब लोगों को पता चला कि कोई नया काम करना एक नया बिजनेस स्टार्ट करना नहीं है, इसे प्रॉपरली एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है, जिससे हम लोगों को और रोजगार दें और अपनी इनोवेटिव को बातें को आगे लाएं। तो इससे पहली चीज़ तो बहुत मोटिवेशन मिला कि हाँ हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि देश के हित में है, ये पहली हमें मोटिवेशन मिली। दूसरा, मेक इन इंडिया को सपोर्ट करना कि इंडिया में हम सामान बनाएं, ये इसी का नतीजा है कि हमने सोचा कि इस मशीन को इंडिया में ही बना जाए, अन्यथा बाहर तो ये बनती ही है, बाहर से इंपोर्ट भी कराया जा सकता था, लेकिन क्योंकि मेक इन इंडिया से हमें सपोर्ट मिल सकता है तो हमने उस चीज को ध्यान में रखते हुए इसे इंडिया में बनाया। स्टार्टअप के तहत शुरू की गई 3D प्रिंटर का उपयोग कपड़ा उद्योग में किया जा रहा है। इसके साथ ही एम्स रायपुर में भी इसे लगाया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार वामपंथी उग्रवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य खेल अलंकरण पुरस्कारों की घोषणा, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार से 7 खिलाड़ी किए जाएंगे अलंकृत। रायगढ़ में 2 से 11 सितंबर तक होगा चक्रधर समारोह का आयोजन, छत्तीसगढ़ सहित देश भर के कलाकार होंगे शामिल। और प्रदेश में कम प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग लगाने की जरूरत, राजधानी में आयोजित कार्यशाला में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।